ऑडियो क्लियर है ऑडियो क्लियर है एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए जल्दी से ताकि कंफर्म हो जाए ऑडियो क्लियर है इसके बाद हम अपने सेशन को इस क्लास को स्टार्ट करेंगे एक बार जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए ताकि मेरे को कंफर्म हो जाए ऑडियो वीडियो सब क्लियर है इसके बाद तो हम इस सेशन को इस क्लास को स्टार्ट करेंगे ठीक है जी तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सेशन को इस क्लास को जैसा कि बहुत सारे लोगों ने मेरे से बोला कि सर बिहार स्टेट में एक वैकेंसी आने वाली है जिसकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इसका फॉर्म फिल होना एक अप्रैल से शुरू हो जाएगा यानी एक अप्रैल से आप फॉर्म भर पाएंगे और तीस अप्रैल लास्ट डेट है तो अभी कुछ है दिन दस बारह दिन का समय बचा हुआ है और उसके बाद फिर आप अपना ये फॉर्म भर सकते हैं इस एग्ज़ाम की जो डेट है वो एक्सपेक्टेड है मई या जून में लिखा हुआ आ रहा है कि मई जून तक है ना पेपर होगा तो वैसे भी ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है क्योंकि देखो एक महीना पूरा अप्रैल का तो फॉर्म भरने में लगेगा एक अप्रैल से तीस अप्रैल तक तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है है ना उसके बाद अप्रैल फिर मई जून आ ही जाएगा तो आप जितना जल्दी फॉर्म भर लेंगे उसके बाद तैयारी करना शुरू कर ही देंगे तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि एक डेढ़ महीने या एक दो महीने का ही समय मिलेगा आपके पास इसके बाद ये एग्ज़ाम हो जाएगा तो हमें ना बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ है ना इस सिलेबस को तैयार करना है ताकि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ पाएँ सीख पाएँ और हम अपने एग्ज़ाम में जितने भी कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चन को कर पाएँ ठीक है जी तो चलिए आगे जानकारी देता हूँ मैं इसी एग्ज़ाम के बारे में सबसे पहले नमस्कार सभी को सभी को नमस्कार जैसा कि आप है ना स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम बात कर रहे हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की और इसका नोटिफिकेशन अगर आपने देखा है तो उसमें कंप्यूटर भी पूछा जाना है ठीक है जी अभी नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है उसमें कंप्यूटर का एग्जैक्टली exactly या बाकी सब्जेक्ट का एग्जैक्टली exactly वेटेज नहीं बताया हुआ है कि कितने कितने मार्क्स का है जहाँ तक मैंने भी देखा था बट अगर मेरे को जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी कि कितने मार्क्स का वेटेज है तो मैं आपको ये जानकारी अपने इसी चैनल पर दे दूंगा, ठीक है मैं आपको बता दूं कि ये पोस्ट कौन कौन सी है जिनके लिए आपको ये फॉर्म भरना है बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का ये पोस्ट निकली है जूनियर लाइन मैन की असिस्टेंट ऑपरेटर की टेक्नीशियन ग्रेड फोर की और स्विच बोर्ड ऑपरेटर की तो अगर आप इन पद यानी पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं है ना और इनसे रिलेटेड अगर आपने एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई वगैरह की है तो आप इन पोस्ट के लिए ना इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा और जब ये एग्जाम होगा तो उस एग्जाम में बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ कंप्यूटर भी पूछा जाएगा तो अब हम नज़र डालते हैं कि कंप्यूटर का एग्जैक्टली exactly सिलेबस क्या लिख के दिया गया है तो जब हमने ऑफिशियल सिलेबस की जो ऑफिशियल जो पी uh, है नोटिफिकेशन वाली वो हमने देखी तो वहाँ पर कंप्यूटर का ये सिलेबस हमें लिखा हुआ देखने को मिल रहा है सिलेबस को जिस तरीके से लिख कर दिया गया है सबसे पहले पॉइंट पर लिखा है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर ठीक है फंडामेंटल मतलब बेसिक बुनियादी बातों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जिसमें लिख कर दिया गया कि सी के बारे में पढ़िए मेमोरी के बारे में हार्ड डिस्क के बारे में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में और नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि सी पी यू मेमोरी हार्ड डिस्क ये है ना इसके लिए आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाला चैप्टर पढ़ना चाहिए वहीं से ये जानकारी आपको मिल जाती है बाकी हार्ड डिस्क वगैरह की जानकारी कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर से भी मिलती है ना जब मैं कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ाता हूँ है ना इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ये दोनों डिवाइसेस के बारे में हम कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ लेते हैं ठीक बाकी लिखा हुआ नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम ये नंबर सिस्टम है ना कभी कभी एग्ज़ाम्स में हमें देखने को मिलता है वैसे हर एक एग्जाम में नहीं आता बच्चों की आपके एग्ज़ाम में लिखा हुआ है तो इसे नंबर सिस्टम ये टॉपिक लिखा हुआ है तो इस टॉपिक को ज़रूर पढ़ के आपको जाना चाहिए इस नंबर सिस्टम में बेसिकली बाइनरी नंबर का डेसिमल में डेसिमल का बाइनरी में या बाइनरी नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब पूछा जा सकता है तो ये चीज़ हमें पढ़ के जानी चाहिए ठीक है तो ये चैप्टर का नाम होगा नंबर सिस्टम फिर लिख कर दिया गया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर और ब्रैकेट में लिख दिया हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर यानी मोटा मोटी हमें ये समझ में आ रही है बात कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी हमको लेनी है ठीक है उसमें भी सब सेक्शन बना के दिया गया है या सब टॉपिक बना के आ, लिखे गए हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पढ़िए ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़िए और कंप्यूटर लैंग्वेज को भी पढ़िए तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ सेकेंड वाले पॉइंट में जो ए बी सी लिखा हुआ है इससे हमें यही समझ में आ रहा है कि आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर को पढ़ो ठीक है इसके बाद इसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और अगर अलग से लिखा हुआ है तो आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को भी अलग से पढ़ के जा सकते हैं क्योंकि विंडोज़ आज के समय पर कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है और जब लिख के दिया गया अलग से टॉपिक तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए और कंप्यूटर लैंग्वेज बेसिक बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी भी होनी चाहिए ठीक है तीसरे पॉइंट पर लिखा हुआ बेसिक नॉलेज ऑफ एम एस ऑफिस द मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक और इसी से ना लोग घबराते हैं कि एम एस ऑफिस का सर क्वेश्चन आया था हम आंसर नहीं दे पाए क्यों क्योंकि हम वो अच्छे से पढ़ के नहीं गए थे तो ये नहीं करना है आपको एम एस ऑफिस को अच्छे से पढ़ना है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट यही तीन एप्लीकेशन पूछी जा रही हैं ठीक है फिर फोर्थ नंबर पर कर दिया है, बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट इंटरनेट में वेब ब्राउजर ई मेल सर्च इंजन वेब सर्वर इन सभी के बारे में जानकारी लेनी है इन सभी को पढ़ के जाइए जो हम इंटरनेट वाले चैप्टर में पढ़ते ही हैं इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पर लिख कर दिया गया बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स जिसको नेटवर्किंग भी कह सकते हो है ना लैन वैन और मॉडर्म ये तीन शब्द लिख कर दिए गए हैं वैसे मैं आपको बता दूं कि जब नेटवर्किंग आप पढ़ते हैं तो नेटवर्क्स के नाम सारे आपको पढ़ने चाहिए जरूरी नहीं है कि लैन और वैन से ही क्वेश्चन आएगा ये पैन क्या होता है लैन क्या होता है कैन क्या होता है वैन क्या होता है मैन क्या होता है इन सभी की जानकारी होनी चाहिए केवल मॉडर्म शब्द लिखे होने से ये नहीं है कि मॉडर्म के बारे में पूछेंगे हब क्या होता है स्विच मॉडर्म रिपीटर गेट वे ब्रिज राउटर ये सब क्या होते हैं इनके बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए और सिक्स पॉइंट पर लिख कर दिया गया बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी कह दो या फिर कंप्यूटर सिक्योरिटी कह दो एक ही बात है और जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ कि इसमें वायरस वॉर्म वगैरह के बारे में मालवेयर के बारे में पूछा जाता है बाकी इसमें इंटरनेट सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी और फायरवॉल जैसे शब्दों को लिखा गया है बट मैं जो कंप्यूटर सिक्योरिटी वाला चैप्टर पढ़ाता हूँ उसको भी अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो ये सारे चीज़ें ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे उसमें ठीक है जी तो एक बार फिर से देखिए ऑफिशियल जो सिलेबस दिया गया है वो कुछ इस तरीके से लिख कर दिया गया है फर्स्ट पॉइंट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स ऐसे बना कर दिया गया है अब इसी सिलेबस को एक वेल well ऑर्गेनाइज तरीके से अगर मैं बनाऊं अपने लेवल से अपने तरीके से तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा यानी हमें सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ के जाना चाहिए इसके बाद मेमोरी यूनिट्स पढ़िए मेमोरी यूनिट्स लिखा हुआ होता नहीं है बट कई बार इसके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिल जाते हैं चाहे सिलेबस में लिख के दो या मत दो तो मैं समझता हूँ मेमोरी यूनिट कॉम्प्लीमेंट्री है जिसे ज़रूर पढ़ लेना चाहिए फिर इसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर पढ़ लो कंप्यूटर मेमोरी पढ़ लो क्योंकि जब हार्डवेयर पढ़ोगे तो मेमोरी उससे रिलेटेड ही होता है तो मेमोरी ज़रूर पढ़ना चाहिए फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिख कर दिया गया है ऑफिशियल सिलेबस में तो पढ़ के जाना ही होगा और माइक्रोसॉफ़्ट विंडोज़ क्योंकि अलग से ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द लिख कर दिया गया है तो हम विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ के जाइए इसके बाद फुल फुल फॉर्म्स फाइल एक्सटेंशन एंड शॉर्टकट की ये भी कॉम्प्लीमेंट्री है जब आप पूरा कंप्यूटर का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो फुल फॉर्म फाइल एक्सटेंशन और शॉर्टकट की ज़रूर पढ़नी चाहिए आपको ठीक इनसे भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी एम एस ऑफिस जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों आपको पढ़ना है इंटरनेट चैप्टर पढ़ना है नेटवर्किंग पढ़ना है इसके बाद आप कंप्यूटर सिक्योरिटी पढ़िए ठीक है वैसे मैं हमेशा सभी को यही बोलता हूँ कि कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले चैप्टर तक ही लगभग सारा सिलेबस कवर हो जाता है बच्चों की इस सिलेबस में दो पॉइंट दे रखे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी दे रखा है और नंबर सिस्टम भी दे रखा है तो ये दो चैप्टर और एक्स्ट्रा पढ़िए आप तो टोटल मिला के थर्टीन यानी कि तेरह चैप्टर आपको तैयार करने हैं इस सिलेबस के लिए एक बार फिर से देख लो दस चैप्टर ये हो गए कंप्यूटर आर्किटेक्चर मेमोरी यूनिट हार्डवेयर मेमोरी सॉफ्टवेयर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म एमएस ऑफिस इंटरनेट नेटवर्किंग और तीन ये हो गए कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और नंबर सिस्टम ठीक है भाई तो फाइनली है ना ये जो चैप्टर्स थे ये आपको पढ़ने हैं तो अगर आपके पास मेरी क्लासेज हैं पहले से तो बहुत अच्छी बात है वेल एंड गुड बट मैं यही बोलूंगा कि क्लासेज है ना लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होनी चाहिए अगर मान लो आपके पास छः महीने एक साल या दो साल पुरानी क्लासेज है तो उन्हें मत देखिए तब से लेकर अब तक बहुत चीज़ें चेंजेस चीज़े हो जाती हैं बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं क्लासेज में भी कंटेंट में भी तो आप है ना लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन और क्लासेस देखिए ताकि आपके इस एग्ज़ाम में आपको फ़ायदा मिले और आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाए ठीक है जी तो छोटे मोटे लालच की वजह से क्या है ना हमारे पास सर एक साल पुरानी आपकी क्लासें हैं उनको देख लेंगे उससे काम हो जाएगा तो ऐसा नहीं है आप ये समझ लीजिए कि आप बेस्ट तैयारी करने जा रहे हैं अपने इस एग्ज़ाम के लिए जिससे आपका सिलेक्शन होगा आपकी जॉब लगेगी तो कहीं भी चूकना नहीं है तो लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित क्लासेस को और कंटेंट को आप देखिए उसी से फ़ायदा मिलता है ठीक है जी तो अगर किसी के पास क्लासेस हैं तो अच्छी बात है और नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि इस सेशन के इस वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा और उस एप्लीकेशन पर जाकर आप ये बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड का जो मैं बैच बनाने जा रहा हूँ उस बैच को आप ले सकते हैं ठीक है उसमें केवल एनी टॉपिक या एनी चैप्टर के थ्योरी क्लासेस और एम सी क्लासेज मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा विद पीडीएफ फाइल ठीक है जी और बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत डाउट परेशानी रह जाए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी कम्युनिकेट कर सकते हैं और नंबर मैं आपको बता दूं वैसे इस सेशन के टाइटल में भी मेरा व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ है मैं बोल भी देता हूं एट डबल फोर डबल एट थ्री टू नाइन एट सेवन तो आपके जितने भी जानने वाले चिर परिचित लोग हैं उन सभी को बताइएगा कि इस एग्ज़ाम का फॉर्म अगर आप भरने जा रहे हैं तो कंप्यूटर की परफेक्ट तैयारी आप यदि सर के साथ कर सकते हैं और रिज़ल्ट आपको खुद देखने को मिलेगा ही इस बात की गारंटी है तो अगले फिर किसी सेशन में मैं आपको मिलूंगा और फिर किसी सिलेबस को डिस्कस करेंगे तब तक के लिए नमस्कार सभी को जय हिंद वंदे मातरम